गाइज़, वेलकम बैक टू माई अवर चैनल। तो आज फिर से आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ, जो है सिल्वर ज्वेलरी। पहले मैंने आपको गोल्ड की ज्वेलरी वॉश करना सिखाया था, बट आज मैं आपको सिल्वर की, चांदी की आपको ज्वेलरी साफ करना दिखाऊंगी, और वो भी बहुत इजी वे में। और मैं आपको गोल्ड की जो मैंने ज्वेलरी करी थी तो उसकी वीडियो बनाई थी, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगी लिंक, आप वहां से देख लीजिए। हाँ, मैं आपको दे दूंगी गाइस लिंक, वो भी बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक डिटर्जेंट जो हमें पाउडर लेते हैं वॉश करने का कपड़े, और हमें चाहिए लेमन जूस, और चाहिए हमें सोडा, और चाहिए हमें पोटैटो, ग्रेट करा हुआ पोटैटो। देखिए, हमने इसको ग्रेट कर लिया है, इससे पोटैटो को छिकल समीज, उसको पील नहीं करना है छिलके को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए फ्रेंड, कितनी काली हमारी ये हो रही है। देखिए, ये हमारी चांदी की पायलें देख रहे हैं आप, कितनी सारा काली हो रही है, बहुत ज़्यादा काली पड़ी हुई हैं, और इसको हमें करना होगा, बहुत ज़्यादा काला हो रहा है ये। तो चलिए, एक हमने पैन रख दिया अपना कुक टॉप पे, हमें पैन रख दिया, इसमें हम पानी डालते हैं। बहुत काले हो रही है ये, और अगर आप मार्केट में करवाते हैं तो काफ़ी पैसे लग जाते हैं, हमारे ज्वेलर लोग काफ़ी पैसे ले लेते हैं। गाइस, आपको हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी यूज़फुल मिलेंगी वीडियोस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी जब भी कोई न्यू ट्रिकेबल वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो देखिए फ्रेंड, हमने कुकटॉप पे पानी रख दिया है, इसे हीट होने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा हीट हो जाए, उसके बाद हम बताते हैं कि आपको क्या करना है। सो फ्रेंड्स, तो देखिए, हमने पानी में हॉट पानी में हमने अपने पहले सोडा डाला है हमारा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पहले सोडा डाल दिया हमने इसमें, और फिर हम इसमें डिटर्जेंट डाल रहे हैं अपना। अगर पानी आपको कम लगता है तो आप थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि पानी ठीक है मेरा। और इसको थोड़ा सा चम्मच चला लेते हैं, अब ज़रा सा इसको हॉट होने देते हैं, थोड़ा सा इसमें बबल्स आ गया, मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसके बाद, मैंने आपको बताया था लेमन में लास्ट में डालूँगी, पहले मैं इसमें डाल देती हूँ अपनी ज्वेलरी, चांदी की जो मेरी पायलें हैं वो मैंने इसमें डाल दी, और बहुत काम की और बहुत जल्दी इजी वे में आपकी हो जाएगा ये। देखिए, पहले मैंने ये डाल दिया, अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब फिर इसके बाद मैंने जो पोटैटो ग्रेट किए थे विथ छिकल के छिलकों के, वो मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए, डाल दीजिए, और फिर इसे अच्छे से बॉईल करना है हमें। अब मैं इसी स्टेज पे थोड़ा सा हॉट हो जाए ये, फिर मैं लेमन जूस भी डाल दूँगी। अभी लेमन जूस मैंने ऐड नहीं किया है इसमें, अब इसे आने दीजिए, उबाल आने दीजिए। तो देखिए, मेरा तो आपको पता ही है, ये वेस्ट पॉट है मेरा, मैं इसमें अपनी ज्वेलरी वगैरह के लिए ही यूज़ करती हूँ। आप भी अलग से एक पॉट बना लीजिए जिसमें आप ये सारे काम कर सकें, वरना तो निशान पड़ जाते हैं। तो अब इसी तरह से हम इसको 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे, और देखिए आप खुद देखिएगा कितना सारा मैल इसमें आएगा। तो देखिए, अब मैं इसमें लेमन जूस थोड़ी देर के बाद लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। अगर आप लेमन जूस नहीं तो आप सिरका भी डाल सकते हैं, वेनेगर डाल सकते हैं, यानी कि वेनेगर नहीं तो फिर लेमन जूस ले लीजिए। अब इसे पकने देते हैं। ये 5 दिन से वॉश, तो सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ जिससे आपके आप लोगों को हेल्पफुल रहे। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें बबल्स आ रहे हैं, गाइस देखिए बबल्स आ रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं। अब इसमें चम्मच भी चलाते रहिए, अगर आप, ये पॉट छोटा है मेरा, ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है। अब ये खूब अच्छे से इसको पकने दीजिए, आपको खुद ही रिजल्ट पता चलेगा जब इसके अंदर मेल आएगा, क्योंकि लेमन और हमारा जो सोडा है वो अपना वर्क करना शुरू कर दिया है। इसमें देखिए बबल्स, देखिए कितना ज़्यादा पूरा ऊपर कर दिया इसने। अब इसे और बबल अच्छे से पक, आई वंडर्ड आपको ऐसा लग रहा है जैसे खीर बन रही है, पर ये अपना वर्क कर रहा है, सोडा और लेमन। ये खीर या कोई सेम टेस्टी, तो देखिए फ्रेंड्स, कितना काला काला सा ये पानी हो रहा है हमारा, यानी कि अच्छे से वॉश हो रहा है हमारी ज्वेलरी, और बहुत काला काला पानी निकल रहा है। अभी हम इसको 30 मिनट तक तो देखेंगे, हम इसमें 30 मिनट तक हमें इसको
इसी तरह से पकने देना है। सो फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने इस अपनी गैस को ऑफ़ कर दिया है और देखिए थोड़ा सा ऐसे ठंडा होने देती हूँ ताकि मैं इसका आगे का प्रोसीजर को पूरा कर सकूँ। तो इसको पकते हुए हमारे 30 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं। तो देखिए कितना काला पानी हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैल हो रहा है। अब इसको बस थोड़ा सा, हमें अभी थोड़ा सा हॉट है तो थोड़ा मैं इसको निकाल लेती हूँ अपने। ये देखिए फिर से, ये देखिए मैंने अपनी इसकी ज्वेलरी को निकाल लिया है और अब इसको फैला लेती हूँ मैं अपने किचन के। अभी थोड़ा ही क्योंकि गर्म है इसलिए, लेकिन करना हमें अभी है क्योंकि इसका जो डस्ट है वो ऑलरेडी फूल गया है। बस हमें एक प्रोसीजर और करना है, उसके बाद हमारी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, रिज़ल्ट तो आपको दिख ही रहा होगा सामने ही कि कितनी ज़्यादा अच्छी है, पहले से ही हो चुकी हैं। बस अब हमें एक ओल्ड ब्रश लेना है, इस तरह से कर लीजिए आप, तो हमारी और भी ज़्यादा जो गंदगी है इसकी वो भी सब निकल जाएगी। इसी तरह से पहले मैं इन सबको कर लेती हूँ, मैं फिर आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। इस तरह से हमें बस इस तरह से थोड़ा सा जो डस्ट है हमारी वो इससे चली जाएगी, बाकी फिर मैं वॉश कर दिखाती हूँ आपने। तो इसे बर्तनों के इससे जो करने का होता है इससे भी कर सकती हैं, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसका बेटर रिज़ल्ट, देखिए कितनी ज़्यादा चमक रही है। ये मैंने एक टावल में रख कर इसको दिखाया है मैंने, तो चलिए देखिए। ये देखिए आप, मैंने जो अपने ये पैर के बिछिए भी धोए थे ये भी इतने खूबसूरत और चमकने लगे हैं। अभी मैं इनको टावल से हटाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी हमारी चमक रही हैं, ये देखिए आप, जैसे आप इन्हें मार्केट से लेकर आए हैं बिल्कुल इनकी चमक बरकरार हो चुकी है पहले जैसी। और ये देखिए मैंने बिछिए भी अपने धोए हैं जिससे कि वो और भी ज़्यादा चमक उठे हैं। देखिए इसी तरह से आप बिल्कुल जल्दी मिनटों में आप इसको कर लेंगे और बहुत ज़्यादा चमक गई है। ये देखिए आप, ठीक से नहीं दिख रहा होगा आप, शायद क्लियर देखिए आप कितना ज़्यादा इसमें डस्ट था पहले की, देखिए और अब देखिए इसमें कितनी शाइन बढ़ गई है, कितनी ज़्यादा चमक गई है ये। और ये देखिए, तो चलिए आई होप सो आपको ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए अब मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।